और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी, दिग्गज कंपनी भारत की, और 1933 यानी 1933 में आज़ादी के पहले ही इस्टेब्लिश हो गए थे लीवर बंधुओं के द्वारा। और पर्सनल केयर कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन में डव, पॉन्स, क्रीम, अन्नपूर्णा, आटा, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है जो आप हमेशा अपने घर में कोई ना कोई इनका उत्पाद, इनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैं दिखाऊंगा भी। और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, अगर आपका पोर्टफोलियो भी ग्रोथ ओरिएंटेड आप रखे हुए हैं, रखना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स ज़रूर रखें जिनमें अनवरत ग्रोथ होती रहे, आपको अच्छे रिटर्न भी मिलते रहें। तो चलिए हम पहले इसके प्रोडक्ट के बारे में जान लें, जिनको नहीं पता हो शायद देख के अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं। लिप्टन ग्रीन टी, रेड लेबल, अन्नपूर्णा आटा, ब्रू कैफे कॉफ़ी, ताज़ा ब्रुक बॉन्ड लेबल, किसान जैम, क्वालिटी वोज आइसक्रीम, इस तरीके से ये हो गए इनके फूड एंड ड्रिंक के प्रोडक्ट्स। होम केयर में अगर हम देख लें, एक नज़र मारते हैं निगाह में, तो कंफर्ट एक्टिव व्हील, डोमैक्स, रिन, सर्फ एक्सल, विम बार, सनलाइट, ये हो गए। और अगर हम पर्सनल केयर पे चलते हैं तो यहाँ पे एक्स, डव सोप, गोरा होने के लिए आपने भी हो सकता है ट्राई किया हो, लाइफ बॉय, लक्स, पेप्सोडेंट, पॉन्स, सनसिल्क, श्योर, और इस तरीके से वैसलीन, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, एक्सपोर्ट ये करते हैं इस तरीके से। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध है हिंदुस्तान यूनिलीवर प्योरेट, जो पानी प्योरीफायर है, समझ गए होंगे आप, ज़रूर आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते होंगे। और अगर हम इसका आज का भाव देखें तो 1787 रुपये, 28 जून है आज 2019, आज मार्केट बंद है, 1787 रुपये के भाव पे ट्रेड किया था कल, और लास्ट बनाया था 52 वीक लो जो इसका था 1477 रुपये, हाई था 1869, यानी हाई से 100 रुपये के आसपास नीचे है। मार्केट कैपिटल इसका 386,914, एक लार्ज कैप की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 27.88 है, पी रेशियो 64.11 है, प्राइस टू बुक है 50.67, बुक वैल्यू 35 की, और इंडस्ट्री पी 56 की है, डिलीवरी है इसकी 61% के आसपास। और अगर हम इस पे कर्ज़ा देखें तो टोटल डेट ज़ीरो, कोई भी कर्ज़ा इन पे नहीं है। हम फाइनेंशियल्स भी देखेंगे ईयर ऑन ईयर, एंड डिविडेंड पे करता है हर साल 2 दफ़ा, वो भी हम दिखाएंगे। ये देखिए 19 में अभी एक बार दे चुका है 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड क्या है? लाभांश। कंपनी जो लाभ कमाती है वो अपने निवेशकों के साथ शेयर करती है, और वो टैक्स फ्री होता है जो आपके सीधे जो भी आपका खाता लिंक होता है उस पर आता है, चाहे सेविंग हो चाहे करेंट अकाउंट हो, तो डीमेट अकाउंट में नहीं, सीधे आपके सेविंग में आता है, ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और टैक्स में इसमें कोई भी इंक्लूड इसको नहीं करना पड़ता है, आपको टैक्स फ्री होता है अप टू 10 लाख। इस प्रकार देखिए 2018 में भी फाइनल इंट्रीम, और 2017 में भी 2 दफ़ा, 16 में भी, इस प्रकार साल के 2 दफ़े शानदार इनका डिविडेंड का ट्रैक रहा है। और यहाँ पे देखिए तो एक्सेलेंट क्वालिटी की कंपनी है, जिस प्रकार से इनकी ग्रोथ है, जिस प्रकार से इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट है। सेल्स ग्रोथ है 6.41 की, EBIT ग्रोथ है 13.99 की, और जैसे कि आप देख चुके हैं प्ले शेयर्स 0 यानी 1% है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। नेट डेट टू इक्विटी हम देख ही चुके हैं नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 268.90% के ज़बरदस्त, रिटर्न ऑन इक्विटी 87.66, इस प्रकार से काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर वन कंपनी है। और पीयर कंपनियों में जो कॉम्पिटिटर हैं इनके, नेस्ले, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, पिडिलाइट इंडस्ट्री, मैरिको, इनमें से भी काफ़ी कंपनियां शानदार है ये भी, लेकिन हिंदुस्तान भी काफ़ी नंबर वन कंपनी है। और अगर हम इनके रिटर्न्स देखते हैं कि इनका रिटर्न की हिस्ट्री कैसी रही, तो 10 सालों में इसने दिए 573% के आसपास, एक शानदार रिटर्न है। 5 सालों में 189% के आसपास रिटर्न है, 4 सालों में 101% के रिटर्न है, 3 सालों में भी 101% के रिटर्न है,
दो सालों में भी 64% रिटर्न है, एक साल में 11% के, लेकिन ईयर टिल डेट में 1.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में भी 1.80% के नेगेटिव, लेकिन 3 मंथ्स में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 6.25% के रिटर्न है। 1 मंथ में भी यहाँ पे 0.78% की रिटर्न है। 1 वीक में 1% और 1 डे 0.70% के आसपास के रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज मतलब कम देती है लेकिन अच्छा देती है, लेकिन आपको नेगेटिव में रिटर्न कहीं नहीं मिल रहा है। कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिनमें आप पैसे लगाते हैं, आज से 10 साल पहले लगाए तो वो 1 लाख लगाए तो अब 20,000 रुपये बचे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी है, ग्रोथ अच्छी है और ये इन पे रिस्क नहीं रहता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो सेंसेक्स में इंडेक्स में कितनी भी ज़बरदस्त गिरावट क्यों ना आ जाए, 2018 में एक हमने नोटिस किया था, सभी ने नोटिस किया, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब जनवरी 2008 में नॉट 18 2008 में जब भयानक गिरावट आई थी 1400% के आसपास, नॉट परसेंट 1400% के आसपास जब सेंसेक्स में गिरावट आई थी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ही ऐसा स्टॉक जो ग्रीन में यानी इस पे बाइंग कर रहे थे लोग खड़ा हुआ था। तो बेहतरीन कंपनी, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका पैसा कभी नुकसान पे नहीं जाएगा, आपको धीरे धीरे रिटर्न बना के ही देगा, अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। ये रहा इसका। हाँ, शेयर होल्डिंग में अगर हम देखते हैं तो 67.19% प्रमोटर्स के पास खुद है। म्यूचुअल फंड्स की 297 स्कीम्स में पैसे लगा रखे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इसमें 1005 और इंडिविजुअल्स हैं हम आप जैसे खुदरा ग्राहक 11.23% के आसपास। अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं, अगर मार्च 19 और दिसंबर 18 यानी क्वार्टर 4 में हम कंपेयर करते हैं तो जहां दिसंबर 18 में 9,357 करोड़ की नेट सेल्स थी, वहीं मार्च 19 में हो गई 9,809 करोड़ की, यानी 4.83% की अपसाइड है जो कि बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऐसे ही है और नेट प्रॉफिट में अगर हम जाते हैं सीधे स्किप करते हुए सब कुछ, तो जो सब कुछ लेने देने के बाद बचा नेट प्रॉफिट में, जहां दिसंबर 18 में 1444 करोड़ की थी, वही मार्च 19 में हो गई 1538 करोड़ की, यानी 6.51% की अपसाइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 1.93% की अपसाइड है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, मार्च 18 से मार्च 19 में कंपेयर करते हैं, तो जहां मार्च 18 में 9,003 करोड़ की थी, वही मार्च 19 में हो गई 9,809 की, यानी 8.94% की अपसाइड है। वहीं नेट प्रॉफिट में भी यहां पे 1351 करोड़ जहां मार्च 18 में थी, वही मार्च 19 में हो गई 1538 की, यानी 13.84% की अपसाइड है। और मार्जिन भी यहां 0.83% की अपसाइड दिखा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके शानदार रहे, इस वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है और आने वाले समय में भी ये ऐसी कंपनियां कि आप किसी भी समय आप खरीद सकते हैं। बिकवाली और बाइंग चलता रहता है, तो ये थोड़ी सी नीचे भी जाती है, थोड़ी सी ऊपर भी जाती है, तो जब भी आपको लगे कि थोड़ा नीचे आया है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे अभी अपनी हाई से 100 रुपये के आसपास नीचे टूटा हुआ तो आप बाइंग कर सकते हैं, पूरा पैसा लगाने का नहीं कहता, लेकिन इसमें हर वर्ग के लोग खरीद सकते हैं। जिनकी उम्र 50 साल भी, उनको लगता है कि हमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, तो ऐसी कंपनियों में ही खरीदारी वो कर सकते हैं। उनका कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं होगा, भले ही सेंसेक्स का या निफ्टी में भयानक गिरावट आए, इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा लार्ज कैप कंपनियों की, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बिकने ही बिकने, इनकी नेट सेल्स अच्छी होनी होनी, नेट प्रॉफिट इनका अच्छा आना ही आना है। तो एक शानदार कंपनी के बारे में आज हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि प्रत्येक लंबे समय के निवेशक, नॉट ट्रेडर्स, जो लंबे समय के निवेशक, उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक ज़रूर शामिल करना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आज फिर मैं बता देता हूँ कि 1787 रुपये का भाव है, आज मार्केट बंद है। और आज मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।